टीम है तो मजा है, और आईपीएल की शानदार टीम अब आपको मिलेगी फ्री में। गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें एक्सपर्ट 11 प्रोडक्शन ऐप। इसमें आपको जो टीम मिल रही है वो एक्सपर्ट से दी गई रियल टीम है, तो जल्द डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक्सपर्ट टीम है तो मजा है। 17 साल की उम्र में 27 साल के युवक से शादी, फिर तलाक, घर वालों ने भी छोड़ा साथ अपने दम पर, उसके बाद बन गए DSP। हमारे देश की खासियत है कि यह संघर्षपूर्ण कहानियों से भरा है। हर गांव, हर शहर में ऐसे कई युवक युवती हैं जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार कर लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते मुकाम बनाया है। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ उच्च पदों पर हैं, कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। लेकिन एक युवती अनीता शर्मा, जो शादीशुदा होने के बावजूद गांव से निकलकर DSP के पद पर देश की सेवा कर रही हैं। एक समय था जब इनका जीवन संघर्षों से भरा था, इनके सामने कोई रास्ता नहीं था क्योंकि 17 साल की उम्र में इनकी शादी 27 साल के व्यक्ति से हो गई थी। फिर उसके बाद आर्थिक तंगी का सामना, लेकिन उनके अंदर था कुछ करने का जुनून। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया, तलाक लिया। तलाक के पीछे उनकी चुनौतियां नहीं बल्कि पति के साथ उम्र का फासला और सामंजस्य था। परिवार वालों ने परंपरा निभाने के चलते नाबालिग उम्र में शादी कर दी थी, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, सरकारी परीक्षा की तैयारी की और ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में पढ़ाई परीक्षा करते समय उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ा। इसके बाद बैंक की परीक्षा पास की, 3 साल ग्रेजुएशन न कर पाने की वजह से उन्हें ये मौका गंवाना पड़ा। पति के एक्सीडेंट के बाद घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई, उन्होंने क्रैश कोर्स किया, पार्लर चलाया, उनकी वन विभाग में परीक्षा की तैयारी की, वहां मेहनत रंग लाई, उन्होंने परीक्षा पास की और 2013 में भी बालाघाट में पोस्टिंग पे आ गई। लेकिन अनीता ने रुकना नहीं सीखा था। वन रक्षक बनने के बावजूद वे इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे। उनके किस्मत में सिपाही नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनना लिखा था। वे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थी और आश्चर्य की बात है कि वो सिलेक्ट हो गई, 17वीं रैंक हासिल की, सभी कैटेगरी में वे 47वीं रैंक में थी। वो कहते हैं ना कि कुछ पाना हो तो कभी रुकता नहीं है। अनीता यहाँ नहीं रुकी, डिप्टी कलेक्टर पाने के लिए फिर से तैयारी शुरू की और 2016 में उसे भी प्राप्त कर लिया। हालांकि वे फिलहाल DSP के पद पर कार्यरत हैं। तो क्या कहेंगे इनके बारे में, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।